सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सालम गट्ठा के बारे में। जी साथियों, सालम गट्ठा के फायदे कौन कौन से हैं? सालम गट्ठा का सेवन किस प्रकार किया जाता है? सालम गट्ठा को लेते समय कौन कौन सी चीज़ों का परहेज करना है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले जान लेते हैं सालम गट्ठा के फायदे के बारे में। साथियों, सालम गट्ठा का उपयोग पुरुषों की शारीरिक कमजोरी वह धातु क्षीणता के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी साथियों, जो पुरुष काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी दुबले पतले है, उन पुरुषों के लिए सालम गट्ठा बहुत ही उपयोगी है। साथियों, इसके अलावा जिन पुरुषों को थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, किसी काम में जी नहीं लगता है, बेचैनी महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, जी घबराता है, तनाव सा रहता है, उन पुरुषों के लिए भी सालम गट्ठा बहुत ही उपयोगी है। साथियों, पुरुषों की सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है सालम गट्ठा। साथियों, इसके अलावा जिन पुरुषों में शीघ्र पतन, धातु क्षीणता, कामेच्छा की कमी, नसों का ढीलापन, तनाव की कमी, साथियों पुरुषों में सभी प्रकार के धातु रोगों को दूर करने के लिए भी सालम गट्ठा बहुत ही उपयोगी है। सालम गट्ठा के नियमित इस्तेमाल से पुरुषों की सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरी वह धातु क्षीणता के रोग दूर हो जाते हैं। तो चलिए साथियों, अब बताते हैं आपको कि सालम गट्ठा का सेवन किस प्रकार किया जाता है। साथियों, आपको लेना है 50 ग्राम सालम गट्ठा, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम काली मूसली, 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम सतावरी, 50 ग्राम देसी गोखरू, 20 ग्राम सालम मिश्री, 20 ग्राम शिलाजीत और 400 ग्राम धागे वाली मिश्री। साथियों, सभी चीज़ें आपको जो आपके आसपास पंसारी की दुकान है वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। अब साथियों, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। जी साथियों, इन सभी जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। साथियों, बारीक पीसने के बाद किसी बारीक चलनी या किसी बारीक कपड़े में से छान कर कपड़ छन कर लीजिए। अब साथियों, इसमें से आपको करीब 10 ग्राम दवा सुबह खाली पेट और करीब 10 ग्राम दवा रात को सोते समय गुनगुने दूध के साथ सेवन करनी है। जी साथियों, ये दवा आपको दो बार लेनी है, एक बार सुबह खाली पेट और एक बार रात को सोते समय। साथियों, इस नुस्खे को लेते समय तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, मांसाहारी पदार्थ वह नशीले पदार्थों का परहेज करें। साथियों, जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वह लोग इस नुस्खे में मिश्री का उपयोग ना करें। बिना मिश्री के ही इस नुस्खे को 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें। साथियों, जिन लोगों को बीपी की शिकायत है वह लोग अपने चिकित्सक की देखरेख में इस नुस्खे का सेवन करें। अगर साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।